हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग मिस्टर मिंचल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और शिलांग में अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे, बैकपैक हो गया। और सबसे पहले आज हम जाएंगे स्मिथ में। स्मिथ यहाँ पे एक लोकल कल्चर है जहाँ पे हम लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करना है। और एक और जगह है उसका नाम मैं आपको स्पॉट में जाके बताऊँगा। उसके बाद आज हमारा प्लानिंग है या तो माउलिंग डॉक में जाएंगे, अदरवाइज हम चेरापूंजी में रुकेंगे। एक जगह पर आज, दूसरी जगह पर कल। और अभी सुबह का 9 बज गया, बाहर का टेम्परेचर मैंने अभी देखा 11 डिग्री है, रात में तो 6 डिग्री तक आ गया था। और बाकी चलिए, अभी ब्रेकफास्ट किया नहीं, बाहर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। वीडियो में बने रहिए, आज आपको मेघालय का बहुत अनएक्सप्लोर चीज़ देखने को मिलेगा इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो में, चलते पहले चेकआउट कर लेते, गाड़ी हमारे लिए बाहर वेट कर रहे हैं। अभी हम ऑनडा हुए हैं, करीब यहाँ से 9 किलोमीटर और है स्मिथ के लिए। भैया अभी डीजल भरने के लिए रुका यहाँ पे थोड़ा, और अभी धूप खिला है। आपको मैं एक बार यहाँ का एरिया व्यू देख रहा हूँ। आप देखो जहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा खड़ा है रुका, यहाँ से देखो इधर पूरा सिटी का देखो व्यू हमें नजर आ रहा है। आपको कैमरा में कितना अच्छा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है। और साथ में ठंडी ठंडी हवा जो हमें शुरू से मिल रहा है। फिलहाल हम पहुंच गए स्मिथ में। स्मिथ में अभी अंदर कुछ देखने का है, अंदर चलेंगे। और ये स्मिथ का, लेकिन दूर से हमें आइडिया नहीं था कि मतलब इतना दूर में एक छोटा सा बस्ती, और बस्ती भी लेकिन अच्छा है, मतलब ऐसे नहीं कि बस्ती मतलब बिल्कुल नीचे लेवल का कोई एरिया। मार्केट भी अच्छा देखा, देखो मेरे पीछे का बिल्डिंग भी देख रहा है। पार्किंग का स्पेस, अभी गाड़ी अगर पार्किंग है हमारा। अभी देखो हम अंदर आ गए, यहाँ पे ना जैसे स्टेडियम जैसा है, लेकिन स्टेडियम मतलब स्पोर्ट स्टेडियम मुझे नहीं लग रहा है। मैंने भी किसी से बात किया तो हमें पता चला कि ये जो आप पीछे हाउस देख रहे हो ना, यहाँ पे क्वीन रहता है। और इनसाइड तो हम कुछ देखने का नहीं है। और यहाँ पे मेरे से कोई प्रोग्राम होता है, और स्मिथ में यहाँ पे लोग आके बैठ के वो देखते, इसके लिए बना हुआ है अच्छा सा, मतलब खूबसूरत सा एक पॉइंट है। अच्छा है, अभी ठंडा ठंडा हवा भी आ रहा है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जो ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है लाइट लॉन्ग बोल के। वहाँ पे आपको काफ़ी मूवी का शूटिंग होता है, खास करके यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज का मूवी है आसामी या मेघालय का, उसका शूटिंग होता है। अभी हम जाएंगे उधर व्यू पॉइंट में भी ऐसा, और आगे इधर 10 मिनट रुकेंगे, आसपास देखेंगे, फिर चलेंगे आगे। अभी घूम लिया इधर का, आगे एक बार मार्केट की तरफ चलते, अगर रुकेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइट लॉन्ग की तरफ आगे चलते। अभी हम आ गए पार्किंग लॉट के इधर। फिलहाल हम पहुंच गए लाइट लॉन्ग में, लाइट लॉन्ग व्यू पॉइंट यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मैं शूटिंग पॉइंट बोल रहा था ना, तो इधर ये पॉइंट है जहाँ पे आपका शूटिंग होता है। यहाँ पे आपको स्टॉल है, और ये आगे पार्किंग किया। व्यू देखो कितना खूबसूरत व्यू है, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, ये पहाड़ देखो कितना खूबसूरत व्यू है। यही तो मेघालय का मेन आइडेंटिफाई है कि आप जब देखेंगे ना इस टाइप का व्यू, आपको पता चलेगा कि हाँ आप मेघालय में हो। थोड़ा आगे हम और जाएंगे, अब व्यू देखो कितना खूबसूरत व्यू है। मतलब अभी यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, अभी हम लोग ही हैं, और आगे जाके देखते हैं अगर कोई है तो। बाकी यही व्यू पॉइंट है आपका लाइट लूम का। आगे जाके उधर उस साइड में मुझे लग रहा है मे भी खेती हो सकता है। और यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इतना ज़्यादा नहीं है ऊपर टॉप पे, लेकिन व्यू ही देखो कितना खूबसूरत व्यू है। आप बस व्यू को एंजॉय करो, यहाँ पे आना और इतना खूबसूरत व्यू देखना। ये आपको इस टाइप का व्यू आपको चेरापूंजी में भी नहीं मिलेगा, इतना खूबसूरत व्यू है। और जैसे मैं बोला था कि ये शूटिंग पॉइंट है, यहाँ पे शूटिंग होता है, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है ना, और लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे शूटिंग भी होता है। तो आप खूबसूरत व्यू को एक बार देखो। इस व्यू को कैप्चर करने के लिए ना एक चीज हम लोग मिस कर रहे हुए हैं कि ड्रोन, अगर ड्रोन होता ना तो
जो खूबसूरत व्यू है आप देखो मेरे सामने, जहाँ से गाड़ी पार्किंग किया उस तरफ भी देखा, और इधर भी देखो आपको ऐसे कुछ चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, ये सब मिल जाएगा। और ये जो व्यू है ना, आगे का व्यू आप और देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज और जो मैं देख रहा हूँ। और देखो मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हो ना, इतना खूबसूरत व्यू है, एक पहाड़ पे दूसरे पहाड़। और ऑब्वियसली ठंडी हवा तो रहेगा यहाँ पे। और आप देखो, मैं अगर आपको कैमरे में ठीक से दिखा पा रहा हूँ, उस जगह पे नीचे पहाड़ के उस जगह पे भी लोग है, मुझे घर देख रहे हैं काफी सारा दोनों अलग अलग साइड में। अब देखो इधर रेस्टोरेंट भी है, तो अगर आपको रास्ता वगैरह करना है तो आगे आके लास्ट पॉइंट में आप रास्ता कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो इधर मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का अभी भी फैसिलिटी नहीं है, ये लोग सोलर सिस्टम यूज करते लाइट के लिए। अब व्यू देखो कुछ, मेरे हिसाब से नदी भी है नीचे, और अभी उसमें पानी इतना नहीं है, हल्का कुछ है, जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई मतलब बारिश के टाइम आपको पानी जाता है नदी है। ठीक है, व्यू देखो, बस व्यू देखो इतना, मतलब बस ग्रीनरी ग्रीनरी, सूखा सूखा पहाड़ नहीं है, पूरा हरे भरे ग्रीनरी है। और यही जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, अगर आप बारिश के टाइम आते हो तो आपको यही पहाड़ और खूबसूरत लगेगा, क्योंकि आपको काफी सारा आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, छोटा छोटा ऊपर से जो पानी आता है। इसलिए बोला जाता है कि मेघालय में आपको ज्यादा लोग बारिश के टाइम ही आता है, जैसे बोलते ना मेघालय आपका मेघों का कंट्री ऑफ क्लाउड। आप देखो थोड़ा सा मेरे सामने जो मैं देख रहा हूँ, दूर में जो पहाड़ है ना, पूरा क्लाउड ही है। और यहाँ पे ऐसे ही चलते हैं मेघालय में, खास करके चेरापुंजी जब हम जाएंगे आपको दिखाएंगे कि अभी क्लियर आप देखेंगे पूरा वातावरण, और एक घंटे बाद ही पूरा क्लाउड ही क्लाउड भर जाएगा। तो यही चलते हैं मेघालय, ये मेघालय का मेन। चलिए आगे चलते हैं, कुछ हमने आगे मैगी के लिए बोल दिया, मैगी नाश्ता करते हैं, फिर आगे हमें और भी काफी लंबा सफर करना है आज। मैगी आ गया, गर्मा गर्म मैगी 40 रुपीज में, अभी ताजा ताजा बना के दिया। चलो सुबह से नाश्ता नहीं किया, पहले नाश्ता कर लेते फिर आगे चलते। टेस्टी है, और सबसे बड़ी बात है कि भूख भी लगा था ना, तो और अच्छा लग रहा है। चलिए मैगी फिनिश करते हैं। रास्ते में हमें डाउ किचन के रास्ते में भी लंच के लिए रुका है एक रेस्टोरेंट पे। फिलहाल हम हमारे लिए लंच कर लिया बुक। अभी देखो खाने में आ गया राइस, दाल और चिकन। रेस्टोरेंट काफी अच्छा है, मैं आपको नाम लास्ट में बता देता हूँ। ये आपका दाल है, दाल फ्राई, राइस और चिकन। राइस आपका एग बॉयल है 100 रुपीस, दाल 80 रुपीस और चिकन 170। तो चलो लंच एंजॉय करते हैं। अभी हमने दाव के जाने के रास्ते में एक व्यू पॉइंट में रुक गया, बार तो ऊपर आ जाते, ऊपर से व्यू पॉइंट देखने का मजा अलग होता है, खास करके चेरापुंजी जैसे जगह पे। देखो इधर रास्ता जा रहा है, और फिर इधर अब सीन देखो, बस व्यू एंजॉय करो। मेघालय का मैं यही बात बार बार बोल रहा हूँ कि अब व्यू ही इतना खूबसूरत व्यू है कि आप अपने मोबाइल या कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफिंग को ना कभी भी बंद नहीं करना चाहेंगे, इतना खूबसूरत व्यू। हम देखो उधर नीचे मुझे देख रहा है कुछ घर है, मतलब लोग रहते हैं उधर, रास्ता भी आप देख सकते हो नीचे उधर।
अभी जैसे क्लाउड आप देखो वो सामने था धूप है, लेकिन दूर में देखो पहाड़ में क्लाउड, इधर सामने का जो पहाड़ है ना इधर फिर भी थोड़ी बहुत अभी दिखा दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूर में अभी इतना क्लाउड है कि मतलब कुछ देखा नहीं दे रहा है क्लियर। ठीक है, तो आप देखो व्यू को एंजॉय करो, इतना खूबसूरत व्यू है। और डाउकी जाने के रास्ते ना शिलांग से सच में इतना खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा कि आप कभी भी गाड़ी में रेस्ट नहीं करना चाहेंगे। अभी ठंडी ठंडी हवा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कल से बोल रहा हूँ, जब भी जा रहा हूँ मुझे ठंडी ठंडी हवा मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर स्टोन है, इस स्टोन के साथ व्यू पॉइंट बना दिया। चलो ज्यादा टाइम वेट करते ना हुए और आगे चलते हैं। फिलहाल हम आगे क्लीन विलेज से थोड़ा आगे माउलिंग है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट माउलिंग डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे अभी टाइम हो गया देखो करीब 4:45 बजे, मतलब थोड़ी देर में यहाँ पे अंधेरा होने ही वाला है। आज नाइट हम स्टे करेंगे थोड़ा आगे जाके क्लीन विलेज में, वहाँ पे कोई होम स्टे में आज नाइट स्टे करेंगे। अभी हम आपको दिखाने लेके जा रहे हैं यहाँ पे जो रूट ब्रिज है, सिंगल रूट ब्रिज वो दिखाने। तो चलो सबसे पहले नीचे चलना है, काफ़ी स्टेप है नीचे, तो नीचे चलते। अभी इधर हम नीचे जाने के रास्ते में ना एक चीज़ अभी नया बना है, ये पहले हम जब जाते थे नहीं था, एक व्यू पॉइंट बनाया ट्री के ऊपर। आप वहाँ पे अभी ऊपर चलेंगे, 20 रुपये का टिकट है, टिकट हमने ले लिया काउंटर से, बूंग कॉन्गमेन व्यू पॉइंट बोल के आपको देखा जाएगा रास्ते में। हम जितना देख रहे काफ़ी हमें ऊपर चलना है। और इधर से व्यू पॉइंट में क्या है इसका इम्पोर्टेंस कि यह सबको बांग्लादेश दिखाई देगा, मतलब ऐसे भी हमें पता है कि जब भी हम मेघालय आते इस साइड से काफ़ी अपने से जहाँ से हम बांग्लादेश का कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। इधर काफ़ी ऊपर में ऐसे पॉइंट बनाया है जहाँ से हमें बांग्लादेश दिखाई देगा। तो चलो अभी काउंटर में सिस्टर ने बोला कि इतना क्लियर अच्छा नहीं दिखाई देगा, समर सीजन में दिखाई देगा, बाकी चलते देखते हैं मेला कितना अच्छा है और हम कितना बांग्लादेश और बांग्लादेशियों को देख सकते हैं। चलो ऊपर पूरा ग्रीनरी है, लेकिन जो बांग्लादेश बॉर्डर का हम बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो इस तरफ है। अब देखो इस तरफ मैं आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इस बीच से हमने नीचे आया, देखने में शायद ही आपको इतना डेंजर नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप आएंगे ना इसमें से ऊपर आ रहे ना तो आवाज आ रही कर्मर, तो उसी में थोड़ा सा आपको डर आ सकता है, बाकी कुछ नहीं। देखो इधर से व्यू काफ़ी अच्छा है, अभी सनसेट टाइम और सनसेट में आपको इतना अच्छा नहीं देखा पाऊंगा क्योंकि देखो इधर से ये जो आप इधर सनसेट हो रहा है, थोड़ा व्यू देखो दूर में, वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ जूम करके दिखा रहा हूँ, बांग्लादेश है। ठीक है, ये पूरा ये बांग्लादेश का पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अभी तो आगे चल रहे, अभी नीचे चलते हैं नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। इधर रूट जो है ना, इधर ट्री का रूट ये बन के एक ब्रिज हो गया इधर से उधर जाने के लिए, नीचे क्या पत्थर बड़े बड़े और यहाँ से पानी जाता है, इधर से इधर जाने के लिए रूट बन गया, क्योंकि ऐसा आपको वर्ल्ड में शायद ही बहुत कम जगह पे है, इंडिया में तो नहीं है। अभी देखिए टाइम नहीं है, बाकी आप जब इधर टाइम रहने से आ जाएंगे ना तो इधर बैठ के ऊपर जाके, अभी पहले सब नहीं था, अभी कुछ सालों में तो बना दिया, एक दो सालों में ये, अब इसलिए अभी एंट्री चार्ज भी ले रहे हैं 40 रुपीज़ या तो ऊपर से 10 रुपये 5 रुपये कुछ था, इतना नहीं था, अभी 40 रुपीज़ टिकट भी कर दिया क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ ये लोग बना दिया। जैसे अभी रूट ब्रिज देखते हो ये तो आपको नेचर है, लेकिन ये वाला जो है अभी
लगता अंदर कुछ है, कोई है अभी पानी एक तरफ से आके उधर से पानी आके ब्रिज से नीचे होके देखो अभी तो इधर पानी बहुत कम है लेकिन बारिश के टाइम ना यहाँ पे काफी आपको पानी मिल रहा है आपको गॉड्स ओन कंट्री का नाम सुना होगा केरला। और ये देखो मालिनोंग जो है गॉड्स ओन गार्डन।